अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय मारियो बी लिन और सकोड डी 11। अनस्टिच की प्राइस इसकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगी, इसलिए कि इसके एनडी कार्ड के ऊपर मेंशन नहीं होती और मुझे वीडियो बनाते हुए याद नहीं होती। हमने इसको कस्टमाइज स्टिच किया है मीडियम साइज़ में, एक्चुअली एक मीडियम में किया है, एक स्मॉल में किया है। अब आई डोंट नो, इसको खोलने के बाद आइडिया होगा कि ये कौन सा साइज़ है। तो लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा, लिनन सूट्स थे बट इनके अंदर भी खासा अच्छा खासा काम होता है। इस बात पे मुझे लगता है मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोलती हूँ, लोगों को लगता है शायद मैं जो है वो मतलब वो करती हूँ, लाइक बहुत ज़्यादा ही टेंशन क्रिएट कर देती हूँ कि बहुत मेहनत हुई, बहुत मेहनत हुई। मैं जस्ट बता रही होती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है वो किस तरह से थी। एक तो हमने इसको लेंथ कम करनी थी, ये वाला बॉर्डर जो है पूरा वेलवेट का, प्लेन वेलवेट का, ये सारा यहाँ से अप्लिक हुआ है। देन ये सारी एम्बेलिशमेंट्स, ये जो बीड्स हैं, ये सारे इसमें ड्रॉप एंड राउंड साइज, छोटा साइज, बड़ा साइज, ये सारे जो हैं डाई करवाए हैं। कुछ भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं था, बट अच्छी बात ये कि बहुत ज़बरदस्त सेम मैचिंग कलर के जो है वो डाई हो जाते हैं। तो ये बॉर्डर एप्लिक हुआ है। हमने लेंथ क्योंकि कम करनी रखनी थी, तो इसलिए हमने इस वाले बॉर्डर का गैप पिक्चर से थोड़ा सा कम रखा है। उसके बाद जो है ये बॉर्डर इसके साथ इंक्लूड था, फिर ये लेस और ये प्लेन ऑर्गेन्जा, क्योंकि ब्लैक है ये ऐसे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर एक क्रोशिया लेस है और ये ऑर्गेन्जा, ये इंक्लूड नहीं था। देन इसके ऊपर एग्जैक्ट वैसे ही एम्बेलिशमेंट्स करने की कोशिश की है। उसके बाद ये सब कलर जो है बहुत ही खूबसूरत है, जैसे पिक्चर में है एग्जैक्ट वैसा ही कलर नज़र आ रहा है। और इसकी लेंथ आई थिंक हमने 42 इंचेस रखी है। साइड पैनल्स हैं इसके, ये सेंटर पैनल है, सारे इसके पैनल्स जुड़े हैं। उसके बाद गले में भी इसके जो है बटन्स लगने हैं। और एक्चुअली अभी मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये बटन जो है वो फैब्रिक के बन के लगे हुए, क्योंकि मुझे इसके ऊपर से नेकलेस पहना हुआ है तो वो सही नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं इंशाल्लाह इसका फिर शॉट शेयर करूँगी, लेकिन उस वक्त हमें लग रहा था कि कोई फैंसी बटन्स लगने हैं। और उसका सम टाइम क्या होता है कि एम्बेलिशमेंट्स अलग जगह पर होती हैं, फिर मुझे जब टाइम मिलता है मैं वीडियो बना लेती हूँ, फिर शिप होने से पहले जो है वो बन जाते हैं, क्या कहते हैं, बटन्स या जो भी चीज़ें रहती होती हैं वो कर लेते हैं। गले के ऊपर जो है ये बिल्कुल लूप्स ऐसे ही बने हुए थे, तो ये ऐसे ही लूप्स बनाए हैं। उसके बाद इसकी ब्लैक कलर की स्लीव्स हैं, स्लीव्स के आगे भी जो है ये वाला बॉर्डर वैसे ही अप्लिक हुआ है। एंड देन सारी एम्बेलिशमेंट एग्जैक्ट वैसे ही पिक्चर की तरह। उसके बाद ये बॉर्डर इंक्लूड था, फिर ये लेस लगाई एंड ये रिंग्स और उसके ऊपर फिर बीड्स। ये कोशिश की है कि एग्जैक्ट पिक्चर जैसा लुक हो। उसके बाद बैक जो है इसका प्लेन है, बैक के दामन पर बस वही किया है वो बॉर्डर, ये क्रोशिया लेस एंड बैक पे भी एम्बेलिशमेंट एंड प्लेन ऑर्गेन्जा का बॉर्डर। ये हो गया इसकी शर्ट। इसकी शॉल काफ़ी खूबसूरत है, उसकी शॉल जो है अच्छा शॉल पे, क्योंकि वो डबल शेडेड है तो हमने जो है जो शर्ट का कलर है वही वाले का अंदर पलटा लगाया। ये बॉर्डर इंक्लूडेड था और पूरा वॉल साइड जो है ये पट उससे लगा है, सिलाई के साथ लगा है या नहीं लगा। अच्छा, ये बॉर्डर जो है ये सेपरेट दिया हुआ था, ये सारा सिलाई के साथ लगा है। देन इसके ऑल साइड पे ये पर्ल्स लगे हैं और ये जैसे मैंने पहले बता दिया था ये सारे पर्ल्स जो हैं डाई हुए हैं। तो उसका कलर भी काफ़ी खूबसूरत है शॉल का एंड फैब्रिक भी वैसे ही वूल वाला है तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। उसके बाद है इसका ट्राउज़र, और ट्राउज़र पे भी मैंने खुद ही लेस डाई करवाई है, ये जो इसके ऊपर लगी हुई है दो कलर की। और नॉर्मल स्ट्रेट पैंट है, पाँच चॉइस का आई थिंक 13 इंचेस है ऑल राउंड। सो दैट्स इट, आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने जो ड्रेसेस अनस्टिच नहीं शेयर किए थे स्पेशली, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको स्टिच शेयर कर दूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।